दिन कराची के लिए भी बहुत डायनामिक थी। कराची में एक वर्कर्स मूवमेंट हो रहा, बहुत ही डायनामिक वर्कर्स मूवमेंट, मजदूर तहरीक। मैं अपने डिफेंस के घर से पैदल चलती थी, बस में बैठ के साइट एरिया तक जाती थी ताकि मैं उसका हिस्सा बन सकूं किसी ना किसी तरीके से। वहाँ पे मैं, मेरे लिए एक अजीब दुनिया थी वो, जहाँ पे मजदूर तहरीक चल रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, मीटिंग्स होती थी, और वहाँ पे मैं बहुत सारे मेरी लोगों से मुलाकात हुई जो उस तहरीक को लीड कर रहे थे, उस्मान बलोच, करामत अली, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग। और उनके ज़रिए से मेरी मुलाकात हुई मज़दूरों के साथ और उनके ख़ानदानों के साथ, और मैं उनके घरों में जाती थी, उनके साथ बैठती थी, उनके साथ अपने आप को मिक्स करने की कोशिश करती थी। मुझे आज भी इतना प्राउड फील करती हूँ कि आज भी वो जो वर्कर्स 1971-72 से मुझे जानते हैं, आज भी उनका फ़ोन दुनिया भर में कहीं भी हो, चाहे कोई सवात में बैठा है, चाहे कोई पख्तूनख्वा में बैठा है, चाहे कोई मलेशिया में है, इंडोनेशिया में, फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि आप कैसे हैं। और क्योंकि मैं उनके फैमिली मेम्बर की तरह बन गई, फैज़ुल्ला और शेरशाह और ये सब लोग। और ये एक इस चीज़ ने मुझे एक और एनर्जी दी। और मैंने फिर उस ज़माने में मिलों में औरतें काम करती थी, टेक्सटाइल मिल्स के, तो मैंने मिलों में उन औरतों को मुनज़्ज़म करने की कोशिश की ट्रेड यूनियंस में। और एक दिन एक मज़दूर प्रोटेस्ट हो रहा था, जहाँ पर एकदम एक बहुत बड़ा जलसा था, रैली थी, जो भी, एक लंबे चौड़ा आदमी खड़ा हुआ और उसने अपनी शायरी सुनाना शुरू की। एंड दिस वॉज हबीब जालिब, हु रिसाइटेड हिज पोएट्री इन तरनम। ये मिले ये जागीरें किसका खून पीती है, बैरकों में ये फौजें किसके बल पे जीती है, झोपड़ों से रोने की क्यों सदाएं आती है, झोपड़ों से रोने की क्यों सदाएं आती है। काश तुम कभी समझो, काश तुम कभी जानो, काश तुम कभी समझो, काश तुम कभी जानो। इनको सुनकर के मेरे दिल में आई बात कि आर्ट, शायरी, परफॉर्मेंस कितना बड़ा फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है, मुज़म्मत का तरीका। और क्योंकि ये एक और चीज़ को जगाता है इंसान के अंदर। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात फ़हमीदा रियाज से भी हुई। आप लोग सब जानते हैं कि फ़हमीदा रियाज, जिनका हाल में ही इंतकाल हुआ है, तो वो उस ज़माने में फेमस, बल्कि इनफेमस हो चुकी थी, अपनी उनकी किताब छप चुकी थी बदन दरीदा, और अपनी इरोटिक पोइट्री की वजह से वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर बन गई थी। जबानों की नस्ल में ये कैसी
हूँ।